श्री श्री गौर निताय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराणी, श्रील प्रभुपाद, श्रील गुरुदेव एवं उपस्थित वैष्णव मानंक प्रीत्यार्थे आमे इस्कन कटक यूथ फोरम तरफरु आजिर एही पवित्र नरसिंह चतुर्दशी उपलक्षे एक नाट्य प्रस्तुत करिबाकु प्रयास करुछु, जहार नाम हेउछि श्री नरसिंह लीला। कश्यप मुनि दुई जन अत्यंत शक्तिशाली एवं भयानक राक्षस को जन्म दे दुई असुर जन्म समय रे स्वर्गलोक पृथ्वीलोक आधे समस्त लोकरे अनेक प्राकृतिक उपद्रव होता जहाँकि अत्यंत भयानक एवं विस्मयपूर्ण थिला। एही राक्षस मानंकर नाम थिला हिरण्याक्ष ओ हिरण्यकशिपु। से समय रे हिरण्याक्षर अत्यंत अत्याचार प्रभाव रे ए पृथ्वी गर्भोदक सागर रे बुड़ी जाइथिला। सेतेबेले स्वयं परमेश्वर श्री विष्णु वराहदेवंकर रूपरे हिरण्याक्ष को मारी पृथ्वी लोक को मुक्त करिथिले। श्री विष्णुंक द्वारा निज भाईर हत्या देखि हिरण्यकशिपु क्रोधान्वित होई तांक ठारु प्रतिशोध नेबा पई प्रतिज्ञा कला। ପୂର୍ବକ ନିଶ୍ୱାସ ନେବି ନାହିଁ। ଏବେ ମୋ ଜୀବନ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ପ୍ରତିଶୋଧ, ପ୍ରତିଶୋଧ ଆଉ କେବଳ ପ୍ରତିଶୋଧ। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ମନ୍ଦାର ପର୍ବତକୁ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରି ଅମରତ୍ୱର ବରଦାନ ପାଇବା ପାଇଁ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଓଁ ବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ। ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ଏହି ବରଦାନ ଦେଇପାରିବେନି ତାହେଲେ ମୋତେ ଏହି ବରଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ନା ଘର ଭିତରେ ହେବ, ନା ଘର ବାହାରେ, ନା ଦିନରେ, ନା ରାତିରେ, ନା ଅସ୍ତ୍ରରେ, ନା ଶସ୍ତ୍ରରେ, ନା ମନୁଷ୍ୟ, ନା ପଶୁ, ନା ଆକାଶରେ, ନା ପୃଥିବୀରେ। ଏତିକି ବରଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ଦେବତା। ଏହିପରି ଭାବରେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ବରଦାନ ପାଇ ସେ ତୁରନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା ଏବଂ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କଲା। विश्व विजेता
हम शासक हैं, हम राक्षस हैं, हम राक्षस हैं, राक्षस हैं। विष्णु एवं तुम दिन समाप्त हला, ए मूर्ख देवता गणा भूलि जा से दिन जब स्वर्ग लोक तुम मान अधीन आ हिरण्यकशिपु सर्वशक्तिमान दिग्विजय हिरण्यकशिपु ए तीनि लोकर स्वामी मां सेनापति विदान भगवान हिरण्यकशिपुंक जय। आम सैन्य एवं स्वर्ग लोक पृथ्वी लोक तथा पाताल लोक भी आम अधीन रे नहीं सारिछन्ति। वर्तमान विष्णु मंदिर भांगिबा काम आरंभ हे सारिछि। ए तीनि लोकरे कहि दियो एबे तुम मानकर भगवान हिरण्यकशिपु आ विष्णु भक्त मानको ए भली दंड दियो जे स्वप्न रे भी विष्णु नाम नेबाकु डरिबे। अस्ति भगवान हिरण्यकशिपु वर्तमान किसी ऋषि मुनि माने आमो विरुद्ध रे विद्रोह आरंभ करुछन। मारि दियो से पिला हौ किंबा बुढा जे भी हौ समस्त को मारि दियो। हिरण्यकशिपु विरुद्ध रे जो भी मुंडा उठुछि काटि दियो से मुंडा को। जा हिरण्यकशिपुर चारि संतान थिले, तन्मध्यरु प्रिय थिले प्रह्लाद। से बहुत सुंदर आउ आज्ञाकारी थिले, सर्वगुण संपन्न थिले। असुर गुरु शुक्राचार्य आदेश रे हिरण्यकशिपु प्रह्लाद को गुरुकुल रे शिक्षा लाभ करिवा पई शुक्राचार्य दुई पुत्र षंड ओ अमरकंक निकट को पठाई थिले। एही गुरुकुल रे छोट पिलामानंकु छळ कपट मिथ्यार साहाज्य नै भौतिक जगत रे सफल हेबा पई शिक्षा दिया जाउथिला। चलंतु आमे एबे गुरुकुल जिबा। ओम हिरण्यकशिपाय नमः। ओम हिरण्यकशिपाय कल्याणोस्तु कल्याणोस्तु। प्रिय शिष्यगण काली आमे महत्वपूर्ण शिक्षा लाभ करिथिले कि आमर परम शत्रु होउछन्ति देवता गण आउ संक्षेप रे विष्णु। सेतिपाई आमको संपूर्ण रूपे सक्षम होगा पड़ो कि आम से दमन कर अस्तित्व लिभेद। आज आम भगवान जो द्वितीय चरितमूत्र आलोचना करवा जे भगवान किपर आम आलोचना करवा जे कमी से नाश करेंगे जननायक मान शांत करेंगे आउ लाच दे कि निजर करेंगे अन्य मान किपर बस करेंगे आउ दंड देवे। भौतिक जगत रे सफल हवापाई हेले आमको निंदा करवा असत्य कहवा धोखा देवा अन्य को शोषण करवा इत्यादि अन्यान्य उपाय रे समस्त को निज अधीन रे करवा ये सब निपुण होगा पड़ो। आम पाखे आम महान राजा हिरण्यकशिपु हिरण्यकशिपु उदाहरण आदर्श अच्छी आम से जीवन शैली को अध्ययन कर बहुत किसी शिक्षा लाभ कर। आज आम जानते भगवान हिरण्यकशिपु तपस्या ब्रह्मांड में कहीं भी करी ना जमीक ब्रह्मा प्रसन्न करदान पाई अमरतर वरदान पाई भगवान हिरण्यकशिपु की जय। से मानव गंधर्व सिद्ध चारण यम यक्ष भूत पिशाच निम्न मध्यम और उच्च लोक मध्य निज अधीन को नहीं आसो यम सूर्य स्तपति मद्भयात वर्षति इंद्रो दहति अग्नि मृत्युश्चरति मद्भयात सूर्य चंद्र वरुण यम समस्ते हिरण्यकशिपुर भयरे कंपमान हई निज निजर काम सुरखुर करी आसुछन्ति। ब्रह्मांड शासक मानंकु पराजित करी तांकर अस्त्र तांकर धन शक्ति ऐश्वर्य को निज कवल रे रखी नचाउछन्ति आंगुली रे नचाउछन्ति हिरण्यकशिपु की जय।
प्रहलाद तुम तुम गुरुकुल दीर्घ दिन धरी जहाँ भी शिक्षा प्राप्त करिछ तन्मध्यरु तुमको सर्वोत्तम शिक्षा कौन लगिला विष्णु और तार भक्त माने मो पुत्र बुद्धि को दूषित कर दैछंती से माने हम राज्य सीमा मधरे बेस बदले पसी ए निरर्थक दर्शन शास्त्र प्रचार करछंती कोरे गले डाक से संधा मत को प्रस्तुत कर शीघ्र कौन निरर्थक शिक्षा दौ तुम्हें मु चाहे मैं प्रहलाद को एक महान और शक्तिशाली असुर बनाओ एक भल सांसारिक व्यक्ति बनाओ
आ जदी तुमे माने ताको एभली शिक्षा दउछ से एभली निर्थक कथा कहउछ कमते महाराज महाराज हमर विश्वास करू महाराज हमर विश्वास करू आमे प्रलंबीर पुरी शिक्षा दे नउ महाराज आमे तिमिति पुरी विश्वास करू महाराज महाराज आमे ए नलाद अवद बलक से कोन सुनतिले आ कोन बुझतिले आमे किछि नै बुझि परिलु नै महाराज हमको तार शिक्षा प्रति विशेष ध्यान दबो महाराज आज्ञा दबो महाराज येसु पाई महाराज हमको क्षमा कर दियो महाराज हमको आउ थरे प्रलोक गुरुकुल नी पूरा शिक्षा दबे अनुमति दियो महाराज एही परि भाबरे शुक्राचार्यंकर पुत्र प्रह्लाद को पुनः गुरुकुल को नेई आसतिले प्रिय पुत्र प्रह्लाद कल्याण हो शांति और सौभाग्य प्राप्ति हो असत्य कहिबनी जहाँ सत्य हमको ताहा अनुगत कराओ अरे तुम्हें जो ये बालक मान को देखुच एम तुम पर नुहति कारण एम तुम पर निरर्थक कथा कहू ना प्रह्लाद तुम्हें एक दुस्साहस किपर कल तुमको ये बुद्धि किए पतन कर प्रह्लाद तुमको आमर ये शत्रु खल नीति प्रयोग कर किए कह प्रह्लाद आमे तुम्हारे शिक्षक प्रह्लाद आमको सत्य कौन कह आम सत्य जानवाक आग्री प्रह्लाद कह कह प्रह्लाद कह साधारण गोटे कुराजी जे जथेष्ट ये आमर चंद ये दुष्ट बालक आमर चंदन बन परी राक्षस कुल को ध्वंस करिब चुप कर प्रह्लाद एबे प्रह्लाद को दंड देखि ठीक मार्ग रे आ जाई परिब तुमे जाओ चुपचाप आम कथा सुनिब श्रेणी को जाओ आ चुपचाप आम कथा सुनो अरे जाओ प्रह्लाद जाओ एही परी प्रह्लाद जने आज्ञाकारी छात्र परी श्रेणी को जाई शांतिपूर्वक बसी गले ताकु एपरी शिक्षा ग्रहण करने देखि षंड आ अमर भाविले प्रह्लाद उपरे आमर शिक्षार प्रभाव भल रूपे पड़े लगी से जड़े भल असुर है लगुच एमती चुपचाप सबु शिक्षा ग्रहण करुवा देखि अत्यंत खुशी हो राजशिक्षक प्रह्लाद को माँ पाखक नहींगले आहले आपण को पुत्र गुरुकूल में बहुत भल रूपे संपूर्ण ज्ञान अर्जन कर सारी आमको तांको उपरे बहुत गर्व अनुभव हेउची परवर्ती दिवसर प्रातः मुहूर्तरु माता कयादु प्रह्लाद को स्नान कराइले सुंदर रेशमी वस्त्र परिधान कराइले बहुत सुंदर आभूषण रे सुसज्जित करै सुगंधित द्रव्य लगै महाराज हिरण्यकश्यपुंक सम्मुखरे प्रस्तुत कले आसो पुत्र प्रह्लाद आसो
ଏତେ ଦିନ ଧରି ତୁମେ ତୁମ ଗୁରୁକୁଳରେ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ତୁମକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ଲାଗିଲା? ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପତିତ ଆଉ ଅଧମ ପୁତ୍ର, ତମେ ମୋ ଆଦେଶର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଛ। ତମେ ମୋ ଆଦେଶ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ଏ ପୁତ୍ରକୁ, ଏ ନିରୀହ ବାଳକକୁ ତମେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ଦେଇଛ। ଏହାର ଦଣ୍ଡ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ, ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ ତୁମକୁ। ଯଦି ତତେ ତୋର ଏ ଶିକ୍ଷା ତୋର ଏ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତୁ ଏ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲୁ କୋଉଠୁ? ଏ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ତୁ କୋଉଠୁ ପାଇଲୁ? ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମାରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା ବିଫଳ ହେଲା।
असुरंक राजा हिरण्यकशिपु बहुत भयभीत होइगले सेमानकु आदेश देले कि जेमिति भी हो प्रहलाद को मृत्युदंड दियो असुर माने प्रहलाद को उच्च पहाड़ उपर तळकु फाड़ी चट्टान रखिकी पहाड़ उपर बड़ बड़ पत्थर फाड़िले तापरे तांको अग्नि रे प्रवेश मध्य कराइले तापरे पागल हाथी पाद तले चकटी देवा ପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପକୁ ଶାନ୍ତ କରାଇଦେଲେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପୁନଃ ଗୁରୁକୁଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଧନ ଆମର ପରମ ଶତ୍ରୁ, କାହିଁକି ଧନ ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ଜୀବନର
अनेक भल वस्तु को हजाई दे था। मनुष्य जीवन रा परम सत्य होची भगवान श्री कृष्ण का मधुर नाम करिबा। सही बात आस 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 हमें भगवान श्री कृष्ण का मधुर नाम रा कीर्तन असुर कूल को असुर गुरुकूल को दूषित कर सारे बहुत भयानक बहुत भयानक विष्णु को नाम आम परम शत्रु विष्णु को नाम पे आम गुरुकूल रे ना 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 ए दुष्ट बाड़क को महाराज को पाक को नहीं जावा महाराज स्वयं निजे दुष्ट बाड़क को मृत्युदंड देवे चलो संपूर्ण गुरुकुल को दूषित करिबा आरंभ कर सारे आम शत्रु विष्णु को नाम गुरुकुल प्रचार कर अन्य बालक मानू निज पर भ्रमित करने काम आरंभ कर सारा महाराज आम पार नहीं महाराज आमको आज्ञा दिखुद आज्ञा दिखाद तू कौन जानि मुझे संपूर्ण ब्रह्मांड विजय प्राप्त इंद्र चंद्र वरुण अग्नि आदि समस्त देवी देवता मो ना शुणी कंप मान हूँ मत जानु समस्त शक्ति को देखी टिके भी विचलित होनु कहा प्रहलाद कहा मते सामना करिवार शक्ति तू कौन पहुंच प्रहलाद एते दुस्साहस तो कौन हो छी कहा प्रहलाद Mahavishnu, Vartam, Sarvatomukham, Nisimham, Nishanam, Bhadram, Trindam.
Yeah.